जून को हमने महान एथलीट मिल्खा सिंह को खो दिया। जी हाँ, 91 वर्ष की उम्र में मिल्खा सिंह का निधन हो गया। करीब एक महीने पहले मिल्खा और उनकी पत्नी निर्मल कौर दोनों कोविड-19 से इन्फेक्टेड हो गए थे। हालांकि मिल्खा की रिपोर्ट निगेटिव आ गई थी, लेकिन तब तक शरीर को बहुत नुकसान पहुँच चुका था। मिल्खा के निधन के 5 दिन पहले ही उनकी पत्नी निर्मल का भी निधन हो गया था। लेकिन मिल्खा की खुद की हालत इतनी नाजुक चल रही थी कि परिवार ने ये बात उन्हें नहीं बताई। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स और तमाम पत्रकारों के हवाले से ये सामने आ रहा है कि परिवार ने सोचा था कि मिल्खा के कुछ ठीक होने पर ये बात उन्हें बताई जाएगी, वरना उनकी तबीयत और बिगड़ सकती थी। लेकिन उससे पहले ही डॉक्टरों ने मिल्खा को लेकर जवाब दे दिया। कोरोना की वजह से उनके फेफड़े पूरी तरीके से डैमेज हो चुके थे। आखिरकार जब डॉक्टरों से बात करके ये बात सामने आई कि अब मिल्खा अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं, तो परिवार ने तय किया कि अंतिम समय में ही सही, लेकिन मिल्खा को निर्मल कौर की खबर दे देनी चाहिए। उनके बेटे जीव मिल्खा ने पिता के कानों में धीरे से कहा कि डैड, आप भी मम्मा के पास जा रहे हो। इसी के अगले दिन मिल्खा का भी निधन हो गया। मिल्खा सिंह के चंडीगढ़ के सेक्टर 25 स्थित शमशान घाट में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। पुलिस दल ने महान एथलीट को तोपों से सलामी दी। जी हाँ, उनके बेटे और अंतर्राष्ट्रीय गोल्फर जीव मिल्खा सिंह ने अपने पिता के चिता को अग्नि दी। आपको बता दें कि ब्लेजर और लाल पगड़ी के साथ अपने सिग्नेचर स्टाइल में अंतिम यात्रा पर निकले। जी हाँ, मिल्खा की जब अंतिम यात्रा निकली तो उनके हाथों में पत्नी निर्मल कौर की तस्वीर भी थमाई गई थी। मिल्खा के अंतिम पलों की कहानी, उनका और निर्मल कौर के प्यार की ये कहानी काफ़ी भावुक करने वाला है। जी हाँ, तो इन अंतिम दिनों में भी वो अपने पत्नी के साथ रहे, अपनी पत्नी की फ़ोटो लेकर ही वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। आपको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 न्यूज़ से सुरभि की रिपोर्ट।